तारीख पर तारीख मिलती है जज साहब, इंसाफ नहीं मिलता। बॉलीवुड फिल्म दामिनी से सनी देओल का ये डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा। असल में ज़िंदगी में हमारी न्यायपालिका का कुछ यही हाल है। देश में लाखों केस कई सालों से सुनवाई और फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ाद भारत के कुछ केस इतने पुराने हैं जितनी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की उम्र नहीं है। यानी कुछ केस सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों के जन्म से पहले से अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारत में आज़ाद होने के साथ ही कई मामले दर्ज किए गए। उसी साल JFMC के पास आरोपी जंग बहादुर ब्रिजलाल जोशी के खिलाफ वारंट था, जिस पर 1949 एक्ट की धारा 65E के तहत आरोप लगा था। इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 3 साल की सजा, जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना और अधिकतम 5 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान था। अदालत ने केस नंबर 2 में आरोपी के खिलाफ केस गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस केस के दस्तावेजों में ये साफ नहीं है कि अभियुक्त मामला दर्ज होने के 70 साल बाद भी जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा भी होता तो काफ़ी बूढ़ा होता। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध डेटा के अनुसार JFMC ने इस साल 9 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए मामला तय किया। इसके अलावा 4 अप्रैल 1952 में पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सिविल कोर्ट के सामने जोबेंद्र नारायण चौधरी ने आशुतोष चौधरी के खिलाफ पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की मांग करने का मामला दर्ज कराया। ये सबसे पुराना दीवानी मुकदमा था। ये केस 25 सितंबर 2018 को मालदा दीवानी जज यानी सीनियर डिवीजन ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त की मौत हो चुकी है और उसकी विधवा पत्नी 3 बच्चों की देखभाल कर रही है। सीनियर डिवीजन ने कानूनी उत्तराधिकारी को पार्टियों के रूप में लागू करने का आदेश दिया। इसके बाद से ये मामला आगे नहीं बढ़ा। वही देश का सबसे पुराना सिविल केस भी मालदा की इसी सिविल कोर्ट में 70 साल से ज़्यादा वक्त से लंबित है, जिसमें पार्वती राय ने 18 जुलाई 1952 को विप्रचरण सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। साल 2018 से सिविल जज फैसला देने के लिए एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा लंबित केसों का रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ सबसे पुराना सिविल कोर्ट 1951 से लंबित है। बता दें कि देश के 25 हाई कोर्ट में कुल 60 लाख सिविल और क्रिमिनल केस लंबित हैं। इसमें से लगभग 51,000 सिविल केस और लगभग 21,000 क्रिमिनल केस 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।